दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और इसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, उसका टेबुलर फॉर्म कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द बार बेंडिंग शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन अ टेबुलर फॉर्म एंड द गिव इंपॉर्टेंट डिटेल आर यूजली गिवन फॉर अ बार बेंडिंग शेड्यूल्स इन RCC वर्क। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, जो हमारे RCC वर्क में जो हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक टेबुलर फॉर्म में। और इसके अलावा जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है उससे हमें क्या मिलती है, क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो हम बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हम RCC वर्क कर रहे हैं या जो हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें जितने भी हमारे RCC वर्क आएंगे उसके लिए हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा, उनकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से। तो ये एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन होगी। बार बेंडिंग शेड्यूल को आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर आपसे कोई पूछता है बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, जब हमारा कोई RCC स्ट्रक्चर या कोई RCC वर्क होता है उसमें जितने भी रेनफोर्समेंट बार आते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। और बार बेंडिंग शेड्यूल हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि उस स्ट्रक्चर में कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई बार बेंडिंग शेड्यूल की। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उस स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रेनफोर्समेंट के बार से रिलेटेड, वो भी हम समझ लेते हैं। तो हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिलती है जब भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। नंबर वन, बार मार्क। दिस गिव द पोजिशन ऑफ बार इन स्ट्रक्चर। बार मार्क से हमें क्या पता चलेगा, जो हमारे बार के जिसको हमने मार्क किया हुआ है वो स्ट्रक्चर में कौन सी पोजिशन पे, उसकी पोजिशन हमें पता चलती है बार मार्क के थ्रू। सेकेंड, डायमीटर ऑफ बार। थर्ड, शेप ऑफ बेंडिंग विद ड्रॉइंग। हमें डायमीटर ऑफ बार भी पता चलेगा, उसी के साथ जो हमारी ड्राइंग है उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि इतने डायमीटर वाला बार है उसकी क्या बेंडिंग है, कितने डिग्री पे उसे बेंड किया हुआ है, वो भी हमें पता चलेगा ड्राइंग की हेल्प से, जो कि किसमें आएगी, बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर ही आएगी। देन नंबर ऑफ बार्स हमें पता चलेंगे। लेंथ ऑफ इच बार, हमें एक बार की लेंथ पता चल जाएगी जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जितने भी हमारे सेम उसी डायमीटर के बार होंगे उनके टोटल लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। देन वेट ऑफ बार, यानी हमें एक बार का वजन पता चल जाएगा। अगर हमें एक बार का वजन पता चल गया तो उसी डायमीटर वाले सेम बार्स का हम टोटल वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बार मार्क, डायमीटर ऑफ बार, शेप ऑफ बेंडिंग, नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ इच बार, टोटल लेंथ एंड वेट ऑफ इच बार एंड टोटल वेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसकी हेल्प से मिलती है, बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से मिलती है। और बार बेंडिंग शेड्यूल की वजह से और क्या होता है, जो हमारा एस्टीमेट होता है वो भी रैपिडली प्रिपेयर हो जाता है। इसकी हेल्प से हमारा स्टील कैलकुलेशन ईजिली हो जाता है। अब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है ये समझ में आ गया, और बार बेंडिंग शेड्यूल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो उसके जो मेन इंपॉर्टेंस होते हैं उसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या बोलता है, BBS helps to estimate the total quantity of steel required for the construction of building or structure. बार बेंडिंग शेड्यूल हमें किस में हेल्पफुल होता है, जो हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए हमें हेल्पफुल होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। उससे क्या होता है, हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर हो जाता है। सेकेंड, इट एनलिस्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ रीबार बिफोर हैंड, देयर बाय द वेस्टेज इज एलिमिनेटेड, मैक्स एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन। बार बेंडिंग शेड्यूल के हेल्प से क्या होता है, जो हमारे रेनफोर्समेंट बार होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक हो जाता है, यानी उसमें हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट ड्राइंग, कटिंग एंड बेंडिंग कैन बी डन एट द फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट, दिस इंक्रीजेस फास्टर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास BBS की ड्राइंग रहेगी उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बार रहेंगे उनको कट और बेंड कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर ही, और उन्हें हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, साइट के ऊपर, जिससे क्या होगा जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये एक और इसका इंपॉर्टेंस हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा, फॉर द साइट इंजीनियर्स इट बिकम्स इजी टू वेरीफाई द कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट बार बिफोर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट प्लेस करने से पहले जिस स्ट्रक्चर में हमने बार प्रोवाइड किए उसकी जो कटिंग लेंथ है और बेंडिंग लेंथ है वो इजीली एनालाइज कर सकता है साइट इंजीनियर, उसके लिए हेल्पफुल होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। और बार बेंडिंग शेड्यूल को देख के इजीली उसको एनालाइज कर सकता है कि इस बीम में उसकी क्या कटिंग लेंथ है, क्या बेंडिंग लेंथ है, वो सही है या गलत है बिफोर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को प्लेस करने से पहले। और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस होगा BBS का, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द बिल्स डेट कैन बी क्लेम टू द क्लाइंट्स। जो क्लाइंट्स के लिए हम बिल प्रिपेयर करेंगे उसके लिए भी बार बेंडिंग शेड्यूल हेल्पफुल होता है, वो भी एक इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट और आखिरी चीज़ हम समझ लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ BBS, यानी जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो उसके लिए जो टेबुलर फॉर्म होता है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा वो भी हम इसके थ्रू समझ लेते हैं।
तो जब भी हम किसी आरसीसी वर्क या किसी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल का प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होना चाहिए, द शेप ऑफ बार्स, डायमीटर ऑफ बार, बार नंबर और बार रेफरेंस, स्पेसिंग, लेंथ ऑफ बार, कटिंग लेंथ, टोटल नंबर ऑफ बार एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी आरसीसी वर्क के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्लैब के लिए या बीम के लिए या कॉलम के लिए, जो भी हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर होगा उसके लिए जब भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जो उसमें बार प्रोवाइड किए उनका शेप क्या है, उनका डायमीटर क्या है, उनके नंबर्स क्या है, उनमें क्या स्पेसिंग प्रोवाइड किए, उनकी लेंथ क्या है, उनकी जो कटिंग लेंथ है एक्सेट्रा, ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जब भी उनका जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो एकदम एक्यूरेट बनेगा। अब जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे उसके लिए जो हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉलम होने चाहिए वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट कॉलम आएगा हमारा बार मार्क का, जिसमें जो बार मार्क होगा उसको मेंशन किया होगा, जैसे B1, B2, A2, B2, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें हमने जिस बार को जो नाम दिया है उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा उस बार की पोजीशन। देन शेप ऑफ बार, उस बार का कैसा शेप है वो हमें पता चलेगा, बेंड है, कैसा है, कौन से डिग्री पे मुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, उस बार का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। देन बार डायमीटर, जिस बार के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बार का क्या डायमीटर है, उस बार के डायमीटर की वैल्यू हम इस कॉलम में पुटअप करेंगे। देन स्पेसिंग, उन दो बार्स के बीच में क्या स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, वो भी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। देन नंबर ऑफ बार्स, जो हम कैलकुलेट करेंगे कि इतने डायमीटर वाले बार हमें इतने रिक्वायर्ड होंगे, उनके नंबर्स हम यहाँ पुटअप करेंगे। देन कटिंग लेंथ, जो हम उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेबल फार्मूला लगाने के बाद, वो कटिंग लेंथ को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। देन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हमें कैसे मिलेगी, जो हमारे नंबर ऑफ बार्स आएंगे उसमें हम जब कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर डायमीटर वाले बार की टोटल लेंथ। देन नेक्स्ट कॉलम रहेगा हमारा वेट पर लेंथ, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायमीटर वाले बार का पर लेंथ क्या वेट है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। देन टोटल वेट, टोटल वेट हमें कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ इंटू वेट पर लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा टोटल वेट उस पर्टिकुलर डायमीटर वाले बार के लिए। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो टेबुलर फॉर्म होता है उसे आप इस टाइप से प्रिपेयर करोगे। ये आपको कहाँ हेल्पफुल होगा, एक्सेल शीट में जब भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए टेबल बनाओगे तो ये सारे कॉलम आपको उस टेबल में बनाने पड़ेंगे। तो जब भी आप एक्सेल शीट के अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो टेबल बनाओगे तो उस टेबल में आपको ये सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे, तभी आपको जो आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाओगे उसमें आपको एक्यूरेसी देखने मिलेगी। तो इस टाइप से आप बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए टेबल बनाते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए टेबल कैसे बनाया जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और जो भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट फार्मूला या जो इंपॉर्टेंट डेटा रिक्वायर्ड होता है बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए, वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या फार्मूला यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो समझ में आई। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो रिलेटेड होंगे बार बेंडिंग शेड्यूल से। जब तक अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।